अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ सैफ अली और आज हम 10th क्लास की जो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है हम टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 10.4 एंड 10.5 टेस्ट योर सेल्फ। तो सबसे पहले हम 10.4 की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ आर द साल्ट्स नेम्ड, कि साल्ट को नाम किस तरह से दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि साल्ट किस तरह से पहले बनता है। आयनिक कंपाउंड होता है बेसिकली, जब कोई भी एसिड रिएक्शन करता है बेस के साथ तब जो है वो हमारा साल्ट बनता है। अब साल्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है बेसिक रेडिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है एसिडिक रेडिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि जो चीज़ बेस ने हमें दी है, यहाँ पर क्लोरीन हमें एसिड ने दिया है इसके ऊपर, इसको हम एसिडिक रेडिकल बोलेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो चीज़ हमें बेस ने दी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम बेसिक रेडिकल बोलेंगे। तो इसके इस तरह से जब नाम दिया जाता है, जब हम इसको नाम देंगे तो सबसे पहले हम बेसिक रेडिकल यूज़ करेंगे और देन एसिडिक रेडिकल यूज़ करेंगे, जैसे सोडियम और उसके बाद क्लोरीन है। बेसिक एसिडिक रेडिकल तो हम इसको नाम देंगे सोडियम क्लोराइड, यानी पहले बेसिक रेडिकल और उसके बाद एसिडिक रेडिकल। इसी तरह से जितने भी साल्ट्स हैं इनको नाम दिया जाता है, पॉजिटिव जो जिसके ऊपर चार्ज होगा वो पहले और नेगेटिव चार्ज वाला बाद में। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक के साथ रिएक्शन कराना है नाइट्रिक एसिड का, फास्फोरिक एसिड का एंड एसिटिक एसिड का। तो सबसे पहले जब हमने जिंक का रिएक्शन कराया है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड के साथ जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो हमें जो मिला वो जिंक नाइट्रेट मिला है। उसके बाद जब हमने जिंक का रिएक्शन कराया है फास्फोरिक एसिड के साथ तब हमें जिंक फास्फेट मिला है। उसके बाद जब हमने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया है जिंक का तो हमें क्या मिला, जिंक एसीटेट मिला। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ें हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई है, यानी कि इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हुई है, जितने भी एसिड्स से उनसे हाइड्रोजन रिमूव हुई है और जो जिंक है वो उसने उस हाइड्रोजन की जगह ली है और जो साल्ट बना है। इसके अंदर जो मेन चीज़ हमें जो है वो ये है कि इसके अंदर जो हमें रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस है वो खारिज होती है प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है। और इस केस के अंदर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमें पानी मिला, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन थी तो ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया तो इधर यहाँ पर पानी बना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ विल यू जस्टिफाई साल्ट्स आर न्यूट्रल, के साल्ट किस तरह से न्यूट्रल होते हैं। तो साल्ट इस तरह से न्यूट्रल होते हैं कि उनको उनके अंदर जो चार्जेस होते हैं उनकी तादाद जो है वो बिल्कुल बराबर होती है, चार्जेस बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। आयंस की तादाद थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं सोडियम क्लोरीन, सोडियम में जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन ने तो सोडियम क्लोराइड बना। यहाँ पे जो आयंस की जब हम देखते हैं तादाद तो वो सेम है, एक आयन पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, और चार्जेस अब अगर हम देखें यहाँ पॉजिटिव वन है यहाँ नेगेटिव वन है तो कैंसिल होकर न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर मैग्नीशियम को देखते हैं, मैग्नीशियम ने जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो क्लोरीन के यहाँ पर दो हैं, यानी कि क्लोरीन के दो आयन है और मैग्नीशियम का एक आयन है। बेसिकली आयन का डिफरेंस हो सकता है लेकिन चार्जेस का डिफरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी होती है +2, यानी इसने दो इलेक्ट्रॉन देने हैं, और क्लोरीन की होती है एक, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लेना है। अब इसने दो इलेक्ट्रॉन देने हैं, क्लोरीन ने एक लेना है, तो फिर हम क्लोरीन का एक एलिमेंट जो है एक एटम जो है वो साथ और ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि जो क्लोरीन है वो मैग्नीशियम के जो दो हमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो दो क्लोरीन ले लेगी। अब क्या होगा कि चार्जेस भी क्या हुआ सेम हो गए। अब यहाँ पे क्लोरीन का +2 तो नहीं है लेकिन यहाँ पे दो क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पे +2 मैं लिख रहा हूँ, सॉरी -2 लिख रहा हूँ, यानी कि इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं मैग्नीशियम के साथ, और जो चार्जेस का जिसके जो है वो इक्वल हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है उसको उससे क्या मुराद है, ये जो नीचे कंपाउंड बताए उनके अंदर कितने के। अब यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट है, अब कॉपर सल्फेट के अंदर 5 हैं और जो कैल्शियम सल्फेट है उसके अंदर 2 है। अब इनका जो मेन मकसद होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, इनका होता है कि जब इसने इन्होंने साल्ट को एक प्रॉपर शेप देनी है, साल्ट को प्रॉपर शेप देने के लिए, क्रिस्टलाइन शेप देने के लिए ये जो पानी के मॉलिक्यूल इनके साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन एसिड एंड मेटल, एसिड और मेटल के दरमियान जो रिएक्शन होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको टोटल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो प्रॉपर रिमूव हो जाती है, हाइड्रोजन प्रॉपर रिमूव हो जाती है, और हाइड्रोजन की जगह क्या लोग कौन ले लेता है एसिड, हाइड्रोजन की जगह एसिड ले लेता है, यानी कि प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है ये बन के एमिट हो जाती है यहाँ से रिएक्शन के दौरान, खारिज हो जाती है और हमें जो मिल जाता है प्रॉपर एक मैग्नीशियम क्लोराइड यानी एक साल्ट मिल जाता है। हाइड्रोजन प्रॉपर डिस्प्लेस कर जाती है इसके साथ हमारे जो पास हमारा जो हमें हमारे पास जो मौजूद है मेटल उसके साथ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, टेस्ट योरसेल्फ 10.5। उसके अंदर अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि नेम द टाइप ऑफ साल्ट्स के जस्ट नेम बताने हैं, तो ये आपके बुक के ऊपर ही है, नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, डबल साल्ट, मिक्स साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट।
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो H3PO4 है ये जब रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये प्रॉपर किस तरह से जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली ये जो H3PO4 है ये प्रॉपर एक अच्छा एसिड नहीं समझा जाता, क्योंकि जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो ये हाइड्रोजन टोटली रिमूव नहीं करता। अब हाइड्रोजन जो हमने अगर अपना अपने जब हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया अच्छा एसिड, तो उसकी ये क्वालिटी है कि वो प्रॉपर हाइड्रोजन रिमूव कर देता है। अब जब हमने इसका एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराया H3PO4 का, तो क्या हुआ कि यहाँ पे H3 था और यहाँ पे H2 हो गया, यानी कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का निकला है। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकला, उसने यहाँ पे मौजूद OH था उसके साथ रिएक्शन करके H2O का एक मॉलिक्यूल जो है वो बना दिया, लेकिन यहाँ जो H3 था H2 हो गया, यानी कि अभी वो इसके अंदर ही मौजूद है हाइड्रोजन, यानी कि एक अच्छा एसिड नहीं है। लेकिन जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तीन मॉलिक्यूल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के H3 का, तो ये तीनों मॉलिक्यूल इसको प्रॉपर न्यूट्रल कर देते हैं और जो हमारे पास साल्ट बनता है उसके अंदर जो आप देख सकते हैं कि अब बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि इसने इसको इसके तीन जो मॉलिक्यूल थे इन्होंने इसको प्रॉपरली न्यूट्रलाइज कर दिया और अब एक हमारे पास साल्ट और एक हमारे पास पानी बना, जो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है काफ़ी दफ़ा के न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जब एक एसिड और एक बेस रिएक्शन करते हैं तो वो एक साल्ट और एक पानी देते हैं, जिनका अगर हम pH स्केल के ऊपर टेस्ट करें तो pH उसकी जो होती है 7 आती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द बेसिक साल्ट टर्न इनटू नॉर्मल साल्ट। बेसिक साल्ट को किस तरह से टर्न किया जाता है नॉर्मल साल्ट के अंदर, बेसिक साल्ट से क्या मतलब है? बेसिकली बेसिक साल्ट पे अगर हम बेस की डेफिनेशन देखें तो जो OH नेगेटिव जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो प्रॉपरली जो है वो दे दे, उसको क्या बोलते हैं बेस। अब जिस तरह से हमने इधर ऊपर देखा था ये एसिडिक साल्ट था हमारे पास, जिसका हमने जब दोबारा रिएक्शन कराया है NaOH के साथ तो उसने प्रॉपरली न्यूट्रलाइज किया। इसी तरह से इसका फेनोमिना है, इसके अंदर क्या हुआ है कि हाइड्रोक्सिल जो आयन है उसका जब हमने रिएक्शन कराया है नाइट्रिक एसिड का, जब हमने जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया है, तो क्या हुआ है कि ये जो OOH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन था ये प्रॉपरली रिमूव नहीं हुआ, यहाँ पे 2 थे यहाँ पे 1 इसके अंदर ही रह गया, इसने प्रॉपरली रिमूव नहीं किया। इसको हम क्या बोलेंगे बेसिक साल्ट, क्योंकि इसके अंदर OH मौजूद है जिसने एक OH रिमूव कर दिया, तो उसके ऊपर बेसिक क्वालिटी है। अब हमने अगर इसको प्रॉपरली न्यूट्रलाइज करना है, प्रॉपरली बेसिक साल्ट को टर्न करना है न्यूट्रल साल्ट के अंदर, तो क्या होगा कि हम दोबारा रिएक्शन करवा रहे हैं HNO3 के साथ, किसका जिंक नाइट्रेट का, जब हमने रिएक्शन किया जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद था तो इसने रिमूव कर दिया प्रॉपर और वो H2O बन गया और जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल का आयन था वो यहाँ से जिंक नाइट्रेट में से रिमूव हो गया। तो ये हमारे पास अब प्रॉपर न्यूट्रल साल्ट है जो कि बेसिक साल्ट था जिसको हमने न्यूट्रल में टर्न किया है। उसके बाद हमारा पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट्स क्या होते हैं जो अगर जिनको आयनाइज किया जाए, यानी कि अगर उनका बॉन्ड बना हुआ, अगर उनको बॉन्ड को ब्रेक किया जाए तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन और एक सिंपल एनायन बन जाए, या इसके वाइस वर्सा एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कटायन और एक सिंपल एनायन बन जाए। तो वो ऐसा साल्ट होता है जो हमें क्या करता है कॉम्प्लेक्स साल्ट कराता है। इसके अंदर हमारे पास ये एग्जांपल है, इसको अगर हम देखें तो एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनायन आया है और एक सिंपल कैटायन आया है जब हमने इसको न्यूट्रलाइज किया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट का जो यूजेस क्या क्या हैं, क्योंकि एक नेचुरल साल्ट इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो इसके यूजेस बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, पेपर इंडस्ट्री एंड डिटर्जेंट्स, यानी कि ये डिटर्जेंट्स बनाने में, ग्लास बनाने में और पेपर बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं। जितने भी साल्ट्स हैं तकरीबन ओवरऑल उनका जो ज़्यादातर यूज़ है वो ग्लास, पेपर और डिटर्जेंट में ही है। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक देख लेते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के, फूड को किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है। तो बेसिकली फूड को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो फूड को इसलिए प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो जब ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और जब उनको यहाँ कुछ अर्से के लिए स्टोर किया जा रहा हो स्टोर हाउसेज में या अपने स्टोर्स के अंदर, तो वो ख़राब ना हो। ख़राब किस तरह से होगी, जब उनको माइक्रोब्स का हमला होगा, माइक्रोब्स का हमला होगा, बैक्टीरिया वगैरह का जब हमला होगा तब वो क्या करेंगे उसको डाइवस्टेट करेंगे, उसकी डिकम्पोजिशन कर देंगे और फूड ख़राब हो जाएगी। उसको प्रिजर्व करने के लिए जो नेचुरली तौर पे यूज़ किया जाते हैं साल्ट्स यूज़ किए जाते हैं, शुगर यूज़ की जाती है, जिसको हम सिरका बोलते हैं, वेनेगर वो यूज़ किया जाता है और अल्कोहल यूज़ की जाती है। ये हमारे पास नेचुरल चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके हम फूड के साथ जो है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद है एसिड रेन का क्या फिनोमेना है। एसिड रेन जब हवा में मौजूद नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं अपने जो ऑयल कंजम्पशन होती है, जब हम अपने हमारे इंजन जो हैं खासतौर पर जब हम उनको यूज़ करते हैं पेट्रोल के साथ, पेट्रोल जब उनके अंदर कंबंशन होती है पेट्रोल की, जब पेट्रोल जलता है तो सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं बनते हैं और ऊपर जब वो हवा के अंदर शामिल हो जाते हैं और फिर वो ऑक्सीजन जो हमारा बारिश का पानी होता है उसके साथ रिएक्शन करते हैं, तब वो नाइट्रिक एसिड और सल्फर
सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं। ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर आकर जो है वो काफ़ी तोड़फोड़ करते हैं, सबोटेज करते हैं हमारी ज़मीन को, सॉइल को, जो जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं और जितने भी हमारी बिल्डिंग्स हैं खासतौर पर उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको उनकी अगर उनके ऊपर अगर जो है वो प्रीशियस मेटल लगा हुआ है या खासतौर पर जिप्सम लगा हुआ है या संगमरमर खासतौर पर लगा तो उसको तबाह कर रहे हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे जितने भी खासतौर पर ताजमहल जो है उसको उसके ऊपर जब एसिड रेन हो रही है तो उसकी जो क्वालिटी, उसके जो ऊपर जो पत्थर लगा है उसकी क्वालिटी बहुत पीक हो रही है और वो टूट फूट का शिकार हो रहा है। तो ये एसिड रेन के इफेक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।